एवरीवन, तो टुडे इज संडे। आज संडे है, जन्ना की छुट्टी है, तो कुछ स्पेशल बन रहा है। मैंने चने रात में भिगोए थे कि सिर्फ चने बनाऊंगी, तो बोल रहे हैं चने के साथ घर में हलवा भी बनाओ। तो यहाँ पे चना तो बन चुका है और मैं हलवा बना रही हूँ। जा रही थी मैं अच्छा खासा नहाने, तो बोले नहीं नाश्ता करा दो तब जाओ। तो अपना तो नहा चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है, तो बस जल्दी से हलवा चना बना के इनको नाश्ता दे देते हैं, फिर मैं नहाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एवरीवन, ये मेरा हलवा बन गया है लगभग, मतलब अभी और थोड़ा सा पकेगा, अभी और पकेगा ये थोड़ा सा। और ये है इलायची, तो इलायची को डाल देते हैं इसमें, क्योंकि मुझे हलवे में इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी, जन्ना अभी खाएंगे गरम गरम, मुझे ठंडा ही मिलने वाला है। चना हलवा। सो दोस्तों, ये हलवा, ये चना जन्ना के लिए बनाए। हाँ, वन बाइट और लेके खाइए। अरे आपका मैंने संडे के दिन फेवरेट नाश्ता बना दिया है, मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा संडे के दिन में, इतना काम कराते हो, खुद के तो छुट्टी बैठे हो। शाम को आया है। आप कब से बाबा वाली बात करने लगे? ध्यान देना है? क्या तुम लोग ही ध्यान देंगे? इनकी बातें तो ऐसी चलती रहती हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और वैसे मेरा मुंह नहीं लग रहा है, मतलब मुंह लग रहा है कि नहाया हुआ ना, तो नहाने क्या जरूरत है? नहीं ऐसा नहीं है, सर धोना है यार, आज सर धो के मुझे नहाना है। तो बस मैं जा रही हूँ नहाने, जन्ना अपना खाएंगे, हनु भी अपना चना खा रहा है, वो हलवा नहीं खाता है तो वो चना खा रहा है। के सारे कपड़े सब धो वो के सुबह ही रंग लिए हैं, सुबह से आज मैंने बहुत सारा काम किया है। और छत पे भी दरी आज धुली थी मैंने, राहुल की जीन्स वगैरह धुली थी। तो बस अब नहाना नहाना बाकी है, झाड़ू पोछा धुलाई सब कुछ हो गया है, सब कुछ क्लीन हो गया है। बस मैं नहाऊँगी और नहा के फिर नाश्ता करेंगे, और फिर जो कुछ करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाय एवरीवन। आज जन्ना खाना निकाल रहे हैं हम लोगों का, ये गर्मा गर्म तहरी। आइए दोस्तों, आप लोग भी खाइए आम की चटनी, प्याज। जन्ना कॉफी बनाते हुए और फेंटते हुए, और किचन का ये हाल। मेरा साफ सुथरे किचन में शक्कर का डिब्बा वो है, दूध यहाँ उबला रखा है, कॉफी यहाँ गिरी है, कॉफी ये फेटी जा रही है। ये कॉफी है ना, यार तुमने वो कर दिया, अपनी अच्छी कॉफी बनाई, मेरी बेकार कॉफी बनाई। नहीं रहने दो, मैं पी लूंगी ऐसे। सो दोस्तों, मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा सुहाना, और जन्ना ने बनाई है मस्त मस्त कॉफी। और जन्ना खुद कॉफी पी रही है, एक्चुअली शुभमन फोन पे थी तो कह रही थी लो, चुनमुन फ़ोन पे थी और बोल रही थी कि हमने कहा जन्ना कॉफ़ी पिलाओ, जन्ना कॉफ़ी बनाने लगे, बोली दीदी अब मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। श्वेत तो अभी ऑफिस में है, अकेले के मारे में कभी बनाती नहीं हूँ, बट आज आप लोग रहे हो फ़ोन पे तो मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। तो वो उधर कॉफ़ी बना रही थी, इधर ये कॉफ़ी बना रहे थे, तो वही कह रहे चुनमुन को फ़ोटो सिखा दे, एक दूसरे को फ़ोटो भेजेंगे कि हाँ हम लोग कॉफ़ी बना के पी रहे हैं। तो बस यही बातचीत चुनमुन से चल रही थी, तो फिर हमने कहा चुनमुन रखो अभी तुमसे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग की बात होती ना तो फिर घंटे भर होती है, होती रहती है। तो बस दोस्तों यही है, शाम के वक्त शाम का टाइम है, हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी हनु सो रहा है, उसको जगाते भगाते फिर कुछ खिलाए पिलाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है, चलो बंदा ही ले चलो। हेलो एवरीवन, तो बैकग्राउंड देखे आपको समझ आ गया होगा कि मैं छत पे आई हूँ। एक्चुअली हम लोग रोज़ शाम को ऐसे छत पे टहलने आते हैं, जब से राहुल का सुबह का कचहरी हुआ है ना, तो वो अपना दोपहर में आ जाते हैं, तो हम लोग शाम को टहलने आते हैं। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, उस सामने नीम का पेड़ देखिए, फिर इधर ये वाला पेड़ देखिए, हनु आ गया मेरा, हनु और हनु को चटाई बिछा कर लेटना होता है, तो राहुल चटाई तकिया सब लेके आए हैं इनके लिए। तो हम लोग अभी पानी चला दिया, इस पर टंकी में पानी भरेगा, तब तक हम लोग यहाँ छत पे टहलेंगे और ये भाई साहब आराम से बैठेंगे। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, सारे पेड़ हिल रहे हैं। मेरी छत बहुत बड़ी है ना, तो बहुत मज़ा आता है टहलने में।
नहानों का चटाई तकिया लग गया है और रोज़ शाम को हम लोग ऐसे ही चटाई तकिया लगा के आराम से बैठे। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों इस समय घड़ी में बज रहे हैं 9:15 और मेरा खाना वैसे भी लेट बनता है, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से उनको पता है। तो बस दोस्तों क्या करने जा रही हूँ कि मैं इस समय जा रही हूँ पाव भाजी बनाने। अब पाव तो नहीं मिले बट बन मिल गए हैं, वो भी बर्गर वाले, तो वो मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजेस ले ली हैं, आप देख सकते हो इसमें हैं। और दोस्तों लाइट चली गई है तो आप लाइट की क्वालिटी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है सब्जियों में, आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। मैं इतनी सारी हेल्दी वेजिटेबल्स मैं पाव भाजी में डाल रही हूँ, जिसमें है कैरेट, कैप्सिकम, और इसमें है गोभी, कॉलीफ्लावर, और इसमें है चुकंदर, बीट रूट, और इसमें मैंने मटर भी डाली अगर आपको दिख रही हो तो। यानी कि इसमें मैंने डाला है गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर और गोभी, और इसमें डाला है मटर। और यहाँ पे आलू उबल चुके हैं तो अभी मैं इन सब्जियों को डाल के प्रॉपर उबालूंगी। तब तक मैं इसमें प्याज, टमाटर ये सब को फाइन चॉप करूंगी और फिर जैसे पाव भाजी बनती है मैं अपने ओन स्टाइल दिखाती हूँ और सिखाती हूँ बहुत ही सिंपल वे में पाव भाजी बनाना बाय शेफ करीमा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, शेफ एफ तो नहीं, बट मेरे स्टाइल से पाव भाजी कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइट दोस्तों आ नहीं रही है, देखते हैं कब तक आती है। अब मेरा वो क्या, आलू तो पक गया है, अब इसको मैं सारी वेजेस मैंने धो ली हैं, इसको मैं डालती हूँ पकने के लिए और फिर इसको फाइन एकदम मैश कर देंगे, क्योंकि पाव भाजी में जितना अच्छे वेजेस आप अच्छे से मैश करोगे ना उतना ही अच्छा बनता है। तो चलिए जल्दी से काम को प्रोसेस में करते हैं, अदरवाइज 11 बज जाएगा खाना खाने में, और फिर जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सो एवरीवन, यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स को चढ़ा दिया है और इसमें सिर्फ मैं नमक डालूंगी और कुछ भी नहीं। अब जल्दी से ये पक जाएगी फिर मैं आपसे। सो फाइनली एवरीवन, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। प्याज, मिर्च, धनिया और टमाटर ज़्यादा क्वान्टिटी में पड़ते हैं इसलिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसके अलावा ये उबले हुए आलू, उसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये अशोक का पाव भाजी मसाला। मुझे यहाँ यही मिला, अदरवाइज़ मैं एवरेज का यूज़ करती पर मुझे यही मिला तो मैंने यही मतलब डाल देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और बाकी मसाले यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है, इसकी सीटी ओपन हो जाए तो फिर निकालते हैं और उसको सब्जियों को मैश करते हैं, उसके बाद ये सारी तैयारी करते हैं। सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से उबल गई हैं और ये पाव भाजी मैशर से जना अच्छे से इसको मैश कर दे रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और ये काफ़ी अच्छे से मैश हो जाएगा उसके बाद डालेंगे सब सब्जियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है अमूल बटर, बट ये ऐसे पूरा डालेंगे तो ये जल जाएगा, तो थोड़ा सा रिफाइंड डालने के बाद हम डालेंगे इसमें अमूल बटर। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम बटर डालेंगे क्योंकि भाई बटर के बिना तो पाव भाजी अधूरी है, तो भाई बटर तो डालना ही पड़ेगा पाव भाजी में बटर। पर थोड़ा सा हम लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, क्योंकि अभी उसको भी तो फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया, अब बटर मेल्ट हो रहा है, उसके बाद इसमें मैं जीरा डालूंगी, जीरा और उसके बाद प्याज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जीरा डालूंगी, आप देख सकते हो थोड़ा सा डालेंगे और उसको प्रॉपर चला लेंगे। जीरा थोड़ा सा लाल हो जाए तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज टमाटर मतलब अच्छी क्वांटिटी में पड़ते हैं पाव भाजी में, और ये सब मैंने खुद से फाइन चॉप किया है, मतलब थोड़ा सा चॉपर से कर लूँ फिर मैंने कहा नहीं हाथ से ही करते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हम लोग सुनहरा होने तक बढ़िया से इसको भूजेंगे, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, लाल जैसा कलर ना आ जाए इसका। उसको अच्छे से भूनते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अब काफ़ी प्याज पक गया है तो मैं यहाँ पे वैसा जीने वाली पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जिंजर गार्लिक घर में नहीं बनाया तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से थोड़ा सा भून गया, फिर मैं टमाटर डालूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर, और पाव भाजी में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में टमाटर पड़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो और टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे नमक, नमक डालेंगे, नमक एज पर यू टेस्ट, जैसा भी आपका टेस्ट हो आप वैसे डालें, और बाद में मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर कम ज़्यादा लगेगा तो मैं डाल दूँगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दी, क्योंकि अगर प्याज में डालते हैं तो वो
लाल हो जाती है, तो ऐसे डालेंगे तो ग्रीन ग्रीन रहेगी, तो मैं ऐसे डालती हूँ हमेशा। तो अब जल्दी से ये जब तक पकता है तब तक मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो दोस्तों ऐसे कि आप देख सकते हो कि टमाटर जो है वो प्रॉपर तले से गल गए हैं। उस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ज़्यादा आपको नहीं डालनी है कि पीला पीला सा लगे, क्योंकि सब्जियों का जो ओन कलर है वही आना चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं वो फूड कलर डाल देते हैं, बट मैं फूड कलर यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो सब्जियों का कलर है वही आएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे डाल रहे हैं धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे, ये कस्तूरी मेथी मैंने डाली है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। एक्चुअली कश्मीरी मिर्च अच्छे से डालिए ताकि अच्छा सा कलर आए आपकी पाव भाजी में। और मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी क्योंकि हनु भी खाता है, तो मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है बस। ये अच्छे से सब भुन जाएंगी सब्जियाँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सिर्फ हल्दी धनिया और मिर्चा डाला है, कस्तूरी मेथी डाली है, कश्मीरी मिर्च डाली है, और इसके अलावा पाव भाजी मसाला डालूंगी, और कोई मैं मसाला का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छे से भुंज गया है, और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे वेजेस। उसके अलावा पहले हम आलू फोड़ के डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5-6 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के 6 आलू थे, और इसको ऐसे मैश करके डाल देंगे। अब पाव भाजी जो भाजी थी जो उन्होंने ये मैश करके रखी है, आप देख सकते हो ये भाजी भी हम लोग डाल देंगे। इसको प्रॉपर चलाएंगे। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग दोनों मिलके ही काम करते हैं, अगर कुछ स्पेशल बनता है तो जन्ना यहाँ पे अच्छे से इसको मैश कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद मैं पाव भाजी मसाला डालूंगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि इतनी गाढ़ी पाव भाजी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा तो पानी ज़रूर डालेंगे। तो जन्ना यहाँ पे इसको अच्छे से मैश कर दे रहे हैं ताकि पाव भाजी और यम बने, देख सकते हैं आप लोग। तो ना और मैश कर दीजिए अच्छे से। सो मिलते हैं। सो दोस्तों जन्ना ने काफ़ी अच्छे से मैश कर दिया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये अशोक का पाव भाजी मसाला है। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, मुझे यहाँ पे जो मिला मैं वही मसाला डाल दूँगी। तो यहाँ पे उसको अच्छे से चला लेंगे। और मैं ज़्यादा तीखा इसलिए नहीं बनाऊँ क्योंकि हनु भी खाएगा। तो हटा दिया करो सब, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिए, थोड़ा सा बाकी भी ऊपर से डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कितनी इजी रेसिपी है ना, मुझे तो बहुत इजी लगती है और मैं इसी तरह से बनाती हूँ दोस्तों। और मैंने कोई जस्ट यूट्यूब पे देख के स्टार्ट नहीं किया बनाना, ये मेरी ओन रेसिपी है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो जल्दी से अच्छे से खोल जाती है फिर। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि पाव भाजी पूरी तरह से डन है, हो गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा और बटर डालूंगी, और धनिया डालेंगे, और कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पे बटर डाला और धनिया डाली, और इसको प्रॉपर थोड़ा सा चला देंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना इंस्टेंट, कितनी जल्दी, अगर आपके पास सारी सब्जियाँ हों और थोड़ा सा टाइम हो चॉपिंग का, तो बहुत जल्दी बन जाती है। और फिर तो टेस्ट करके जन्ना बताएंगे कैसी बनी है। मिलते हैं दोस्तों प्लेटिंग के साथ। पे ना वो वाले बन पाव नहीं मिले जो पाव भाजी में यूज़ करे जाते हैं, तो यहाँ पे ये बर्गर बन मिले हैं, तो हम लोग इसको ही यूज़ कर लेंगे पाव भाजी के लिए। क्या करें हम ये बुरे भाई। तो दोस्तों एक दिन मैं आपको पाव भाजी तो बना के दिखा दी है, अब एक दिन आपको बर्गर बना के दिखाऊंगी। अब ये बर्गर बन फिर से मंगाएंगे और बर्गर दिखाएंगे। तो इस तरह से मैंने काट लिया है, और चारों को काट लेंगे ताकि हम हनु जलना इनके साथ खा लें। हाँ बेटू, हेलो गाइस, हेलो गाइस। दोस्तों आप देख सकते हो मैं बटर ऐसे, तो दोस्तों मैं बटर ऐसे लगा दे रही हूँ ताकि इसको सिकने में बहुत सही है, लाला सीख जाएंगे।
चलते हैं ऊपर बना। तो दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद रात में 11:45 बजे पाव भाजी बनके तैयार हो गई है, तो इस मेहनत में तो और भी टेस्टी लगेगी। तो सबसे पहले हनु और जन्ना टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी। मैं बैक कैमरा करती हूँ फिर दिखाती हूँ आप। बताइए हनु आप भी और पापा भी खा के बताइए कैसी बनी। कैसी है हनु, कैसी है? यम्मी गाइस, ओह माय गॉड। जन्ना आप बताओ। एक नंबर, दो नंबर नहीं एक नंबर कहो। नंबर पापा मैचिंग और हनु मैचिंग एक दूसरे से। चलो फिर हनु खाओ भैया, ठीक है खाओ पापा के साथ, दे दो भाई पापा। हनु अपना अलग खाएंगे, ये ले लो हनु ये वाला, वो थोड़ा सा ज्यादा लाल हो गया है वो पापा खा लेंगे। अच्छा मुझे भी जो लेना वो ले लो। एवरीवन जन्ना ने मुझे भी एक बाइट खिला दिया है, सीरियसली बहुत टेस्टी बनी है पाव भाजी। और देखिए जरा हनु और जन्ना को, इन लोगों को बहुत तेज भूख लग रही थी तो ये लोग शुरू हो गए हैं। हनु फेंकते नहीं बेटा, ये ले लो इनमें से कोई सा ले लो जो पसंद हो वो ले लो, ये ले लो ये वाला सॉफ्ट वाला ले लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सुबह से ये वीडियो चल रहा है, जो कुछ शूट हुआ है वो एडिट करके डालूंगी आप लोगों के लिए। सभी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों मेरे 1K तो सब्सक्राइबर हो गए हैं, आगे मुझे और सपोर्ट करिएगा 5K सब्सक्राइबर के लिए और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, हनु से बाय 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 बाय।